गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? विश्वास है आप अच्छे से होंगे इस लॉकडाउन में, और बहुत सारी चीजें जो आपके मस्तिष्क में आ रही होंगी आपने फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय बच्चों ये सोचने का कि हम क्या चीज बेहतर कर सकते हैं और इस लॉकडाउन का किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, तो हम भी इस एडवांटेज को, इस बेनिफिट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा 18th सेशन मेरा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। और फिर ये पहला जो सेक्शन मेरा है आपका, जिसे कोट ऑफ द डे मींस कोट दैट मोटिवेट्स यू के नाम से कहते हैं। और ये कोट आपसे कहता है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, यानी जो आपकी सफलता है बच्चों, वो सफलता ऐसी होती है जो छोटे छोटे प्रयासों के नियोग से, उसके सम से प्राप्त होती है। रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, यानी दिन रात आप अगर बार बार छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं, तो छोटे छोटे प्रयास जो है आपके एक दिन सफलता रूपी एक पर्वत में, पहाड़ में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाएगा। कोच आपसे कहता है, आपको मोटिवेट करता है कि कभी भी इकट्ठी किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश ना करें। छोटे छोटे कार्यों से ही बड़े कार्यों की क्या होती है, शुरुआत होती है। और बड़े कार्यों की शुरुआत से ही बड़ी बड़ी क्या मिलती हैं, सफलताएं मिलती हैं। तो अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमेशा स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे प्रयास करना जारी रखें, ठीक है? और हम भी छोटे छोटे प्रयासों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारे सामने, वो देखते हैं जो रिपीटेड वर्ड्स है, जो एक एम्बिशियस एफर्ट कह सकते हैं आप, मीन्स एक ऐसा एफर्ट जिसमें एक महत्वाकांक्षा है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने की। हाँ, ये वर्ड्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं और अब आपको ये वर्ड्स आने चाहिए ना बच्चों, अब आपके ये वर्ड्स आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये वर्ड्स पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जल्दी से देखिए, अपने मन में बोलें कि क्या माइग्रेंट याद हो गया आपको, क्या कैंपेन याद हो गया आपको, क्या पैंडेमिक याद हो गया, स्ट्रॉन्डेड याद हो गया, एब्रॉड जानते हैं आप, क्वारंटाइन को क्वारंटाइन के नाम से ही जाने आप, कंसेंशस याद हो गया आपको, रिलीफ याद हो गया, अंडर स्कोर करना आ गया आपको, प्रोटेस्ट करना पहले से भी आता आपको, इंस्टीट्यूशनल आ गया आपको, कंसीडरेबल याद हो गया, इंसिस्ट करने लगे होंगे बाप, फैसिलिटी ईश्वर प्रदान करे आपको, डिसेंट अपने लाइफ में हमेशा हो आप, एक्नोलेजमेंट हमेशा प्राप्त होते रहे आपको, अप्रोच हमेशा पॉजिटिव हो आपकी, इनएविटेबल जिसे टाल नहीं सकते हैं आप, ट्रांसमिशन होता रहेगा, और आइसोलेशन में ईश्वर करे आपको जाना पड़ेगा। कितने वर्ड्स आपको याद है? माइग्रेंट याद हो गया। माइग्रेंट मीन्स वो मजदूर, वो प्रवासी लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, स्पेशली हार्वेस्टिंग के लिए, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए आते जाते, कभी यहां कभी वहां जो आते जाते रहते हैं, वो मजदूर जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, माइग्रेंट कहलाते हैं। आप जैसे ही ये वर्ड आपके दिमाग में आए बच्चों, माइग्रेंट, वैसे ही आपके मन में ये वर्ड भी आ जाना चाहिए, इमिग्रेंट, वैसे ही आपके मन में ये वर्ड भी आ जाना चाहिए, इमिग्रेंट, वैसे ही आपके मन में ये शब्द भी आ जाना चाहिए, डायस्पोरा। माइग्रेंट कौन होता है? जो अस्थाई नहीं रहता है, अपना स्थान क्या करता रहता है, बदलता रहता है, अपनी रोजगार की तलाश में, फसलों की कटाई वगैरह के लिए आज यहां है तो कल वहां है, ये कौन है, ये माइग्रेंट होता है। इमिग्रेंट कौन होते हैं? जो अपना देश, अपना नेशन, अपना कंट्री छोड़ करके, अपना नेटिव प्लेस छोड़ करके किसी दूसरे देश में चला जाता हो, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, वन्स ओन कंट्री एंड गोज टू एनदर, एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाता हो वहां पर सेटल होने के लिए, वो कौन है आपका, इमिग्रेंट। लेकिन इमिग्रेंट कौन है, IMIGRANT कौन है? इमिग्रेंट वो होता है जो अपना देश छोड़ करके आपके यहां आ रहा है, समझिए,
जो अपना देश छोड़कर आपके यहाँ आ रहा है वो कौन है? ये है इमिग्रेंट। और जो अपना देश छोड़कर जा रहा है वो कौन है? इमिग्रेंट। और जो दर दर भटक रहा है, मैं आज यहाँ कल वहां रोजगार की तलाश में फसलों की कटाई वर्क ले, वो कौन है? माइग्रेंट है। और ये तीनों वर्ष बच्चों, ये तीनों वर्ष किससे बने? इससे, जानते हैं आप, माइग्रेट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना क्या कहलाता है? माइग्रेट कहलाता है। मीन्स इफ यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट मीन्स यू आर डूइंग माइग्रेट, यानी आप माइग्रेट कर, ठीक है। डायस्पोरा कौन होता है? ये वो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, यानी एक समूह होता है जो अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाकर के बस गए। एक्चुअली वर्ड ज्यूज से, यानी उन यहूदियों से बना है जो इसराइल छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर समूह बना करके रहने लगे, उन्हें डायस्पोरा कहा जाता था। तो आज भी जो लोग अपने देश को छोड़कर एक दूसरे देश में जाकर समूह के रूप में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायस्पोरा कहलाते हैं। और वो स्थान भी क्या कहलाता है? डायस्पोरा कहलाता है, ठीक है। तो डायस्पोरा ग्रुप के रूप में आप यूज करते हैं। माइग्रेंट सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। इमिग्रेंट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एक व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो वो इमिग्रेंट है, कई लोग जा रहे हैं तो इमिग्रेंट्स हैं। वैसे इमिग्रेंट भी एक हो सकते हैं और कई हो सकते हैं। या फिर जो जा रहा है वो इमिग्रेंट, EMI, जो आ रहा है आपके देश में वो इमिग्रेंट है। और जो जगह जगह स्थान बदल रहा है देश में भी, देश में अंदर, यानी कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी दिल्ली में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, स्थान बदल बदल के रह रहे हैं वो मजदूर वगैरह क्या है? माइग्रेंट्स है। और डायस्पोरा पूरा समूह जो एक देश का हो, किसी दूसरे देश में रहता हो, वो वहां का, वहां पर डायस्पोरा कहलाता है, ठीक है। ये सब किससे बने? माइग्रेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? एक अभियान होता है। क्या होता है? अभियान। अगर आपने कल वो वर्ड याद हो आपको, ये वर्ड याद है आपको, ड्राइव, सॉरी ये DRIVE, ये ड्राइव। ड्राइव मीन्स भी क्या होता है? एक आंदोलन, एक अभियान होता है। पैंडेमिक याद हो गया होगा, पैंडेमिक मीन्स तुरंत आप एक चीज समझ लो बच्चों, ये जैसे पैंडेमिक आया ना वैसे ही आपके मन में ये आ जाना चाहिए, एपिडेमिक या एंडेमिक या पेस्टिलेंस। सबके मीन्स महामारी, पैंडेमिक मीन्स महामारी। इन दोनों का अंतर मैंने आपको बताया था, एपिडेमिक एंडेमिक का और पैंडेमिक का, आगे फिर हम इसे देखेंगे। स्ट्रॉन्डेड वो लोग जो लिफ्ट, यानी छूट गए हैं किसी ऐसे स्थान पर जहां पर वो फंस चुके हैं, अर्थात वो क्या है बच्चों? वो हेल्पलेस है, असहाय है, वो स्ट्रॉन्डेड है। एब्रॉड कौन है? एब्रॉड मीन्स ऐसे समझ लें, एब्रॉड मीन्स होता है एक्रॉस बॉर्डर, जो सीमा से दूसरी तरफ दूसरे देश में रहते हैं वो एब्रॉड रहते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज, आपके एग्जाम में SSC में पूछा जाता है, ये एब्रॉड से संबंधित एक एरर दिया जाता है, जैसे ऐसे दे देगा आपको, ही लिव्स इन एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स ही होता है बच्चों, एब्रॉड मीन्स होता है इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक, कंट्रीज है, इन फॉरेन कंट्रीज। तो जब एब्रॉड में ही इन जुड़ा हुआ है तो एब्रॉड के पहले आप क्या प्रयोग नहीं करिएगा? इनका प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक है। एब्रॉड विदेश में, क्वारंटाइन समझते होंगे, क्वारंटाइन और आइसोलेशन। क्वारंटाइन मीन्स आप ऐसे लोगों के साथ रह चुके हैं जो लोग कंटाजियस या इंफेक्टेड थे, और लेकिन अभी आपने सिम्पटम्स है, लक्षण जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, तो आप क्वारंटाइन में चले जाते हैं। और अगर आप अभी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे हैं और आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं तो आप आइसोलेशन में चले जाते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, ओके। कंसेंसस क्या होता है समझते हैं, यूनैनिमिटी को कहते हैं। किसको हम कहते हैं? यूनैनिमिटी, यानी जहां पे
आम सहमति हो, सर्वसम्मति हो, अर्थात एक प्रकार की क्या हो, हार्मनी हो, यही ना, एक प्रकार का कॉनकॉर्ड हो, एक प्रकार का क्या हो उनके बीच में, एग्रीमेंट हो, तो उनके बीच में क्या है, एक प्रकार का कंसेंसस है, या फिर ये वर्ड भी अगर इंपॉर्टेंट आप यूज करना चाहते हैं तो ये एन है बच्चों और आई है यूनानिमिटी। यूनानिमिटी मीन्स भी क्या होता है, इसके मीन्स भी सामंजस्य या फिर आम सहमति। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये है, ये है आपका यूनानिमिटी, ये फिर से मैं लिख दिया, यूनानिमिटी मीन्स आम सहमति। रिलीफ आप नॉर्मल वर्ड है, जो राहत मिलती है आपको वो रिलीफ है। अगर आपको ये वर्ड याद हो गया हो तो याद हो जाना चाहिए आपको ना, याद हो गया आपको, सक मीन्स राहत। अंडर स्कोर करना, अंडर स्कोर करना किसी चीज को अंडरलाइन कर देना, अतः उस पर बल देना, उस चीज को प्रेसराइज करना। प्रोटेस्ट बचपन से आप जानते हैं, विरोध करना। इंस्टीट्यूशनल जो संस्थागत हो, अर्थात यह सरकारी से मतलब है जो संस्थाओं के नियंत्रण में और देखरेख में होता है वो इंस्टीट्यूशनल होता है। कंसीडरेबल याद हो गया आपको, कंसीडरेबल मीन्स इनऑर्डिनेट मीन्स पर्याप्त, अधिक, या अगर आपको ये वर्ड याद हो एक्सॉर्बिटेंट पर्याप्त, या फिर आपको ये वर्ड याद हो एक्सेसिव पर्याप्त, ठीक है, तो ये आपका कंसीडरेबल हो जाएगा। इंसिस्ट क्या होता है, इंसिस्ट किसी चीज पर जोर देना, जैसे आप किसी से कह रहे हो कि चलो भाई चला जाए और बार बार कह रहे हो तो आप चलने के लिए क्या कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। फैसिलिटी ईश्वर करे आपको बहुत सारी दे सुविधा, ठीक है। डिसेंट, डिसेंट मीन्स शालीन, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, शालीन होता है, उसका बिहेवियर डिसेंट होता है, ठीक है। एकोमोडेशन वो आवास, वो स्थान जहां आपके रहने की व्यवस्था होती है, अस्थायी तौर पे वो एकोमोडेशन होता है। अप्रोच आपका, ये कह सकते हैं बच्चों आपका व्यू पॉइंट, अर्थात आपका कह सकते हैं ये एटीट्यूड, या कह सकते हैं बच्चों आपका आउटलुक मीन्स आपका दृष्टिकोण। वैसे अप्रोच मीन्स पहुंच भी होती है। इनएविटेबल क्या होता है, जो चीज इनएस्केपेबल होता है, याद है ना, इनएस्केपेबल हो, या फिर इनडिस्पेंसिबल हो, इनडिस्पेंसिबल हो, या अनअवॉइडेबल हो, वो क्या है, इनएविटेबल है, निश्चित। ट्रांसमिशन संक्रमण, अर्थात दैट ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता हो वो ट्रांसमिट करता है, उसका नाउन फॉर्म। जैसे आपने आई ओ एन एस आई ओ एल देखा तो कह दो वो एक नाउन है आपका। आइसोलेशन अभी मैंने बताया, अलग रखने की जो भावना होती वो आइसोलेट करने की भावना होती, यहां भी जहां भी टी आई ओ एल हो तुरंत कह दें वो क्या है आपका नाउन। जिस शब्द के अंत में ए एल हो, किसी नाउन के अंत में, वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। जिस शब्द के अंत में ए बी एल ई हो या आई बी एल ई हो वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट अपना, ये वोकैबुलरी सेक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्डेड तो अभी आपने पढ़ा तो याद हो गया होगा अब आपको, लेफ्ट इन अ प्लेस दैट यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम, यानी एक ऐसे स्थान पे आप छूट गए हो जहां से आप निकल नहीं सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो, तो आप स्ट्रॉन्डेड है, यानी आप हाई एंड ड्राई है, फंसे हुए हैं, निरीह हैं आप, आप हेल्पलेस हैं, असहाय हैं आप, अर्थात आप संकटग्रस्त हैं, फंसे हुए हैं। जैसे स्ट्रॉन्डेड पीपल अर्थात फंसे हुए लोग, स्ट्रॉन्डेड माइग्रेंट्स अर्थात फंसे हुए प्रवासी, दिस इज स्ट्रॉन्डेड। कंसेंसस भी अभी आपने कहा, जहां पे आम सहमति होती है, सर्वसम्मति होती है, वो क्या होती है, कंसेंसस होती है, एग्रीमेंट अमंग ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन लोगों के बीच में जब एक सहमति हो तो फिर वो कंसेंसस है। जैसे कहे कोई कि भारत में कंसेंसस है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, अभी तो आ गया सब कुछ, पहले ऐसा कहा जाता था
काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, इस पर क्या है कंसेंसस यानी आम सहमति है। तो एक हार्मनी है, एक कॉन्कॉर्ड है, एक कॉन्करेंसी है, एक यूनानिमिटी है अर्थात आम सहमति है। कोई चीज फ्लैट फुटेड है, अगर कोई फ्लैट फुटेड है तो वह कठिन अवस्था में है, लेकिन वो कठिन अवस्था में है क्यों, क्योंकि वो वास्तव में ये है अनप्रिपेयर्ड अर्थात वो अभी तैयार नहीं है, इसीलिए वो फ्लैट फुटेड है। तो फ्लैट फुटेड कठिन अवस्था में या बिना तैयारी की अवस्था में जिसकी वजह से उसे कठिनाई हो रही है अर्थात इन अ डिफिकल्ट और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट मेक्स यू अनेबल टू मूव और रिएक्ट क्विकली अर्थात जिसमें आपने तैयारी ना की हुई हो अचानक ऐसी स्थिति आ जाए कि आप उसके लिए प्रिपेयर ना हो तो आप फ्लैट फुटेड है अर्थात क्या है आप अनप्रिपेयर्ड। ओके तो स्टैंडर्ड तो बिल्कुल ईजी हो गया होगा, कंसेंशस आसान हो गया होगा, फ्लैट फुटेड याद करिए जो बिना तैयारी के अर्थात अभी तैयार ना हो वो फ्लैट फुटेड है। नेक्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट इनकर। इनकर क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि फला होटल में आपको ठहरना है, ध्यान रखिएगा फला होटल में आपको ठहरना है, लेकिन आपके ठहरने का जो खर्च है जो एक्सपेंसेस है वो मैं बहन करने वाला नहीं मैं देने वाला नहीं, ये आपको ही इनकर करना होगा। क्या करना होगा, ये आपको ही इनकर करना होगा अर्थात वो खर्च आपको ही उठाना होगा, वो खर्च आपको ही वहन करना होगा, वो खर्च आपको ही सहन करना होगा। दिस इज इनकर अर्थात टू बिकम लायबल आर सब्जेक्ट अर्थात आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। ब्रिंग डाउन अपॉन वनसेल्फ अर्थात वो खुद आपको अपने ऊपर लेना है, सस्टेन करना है, एक्सपीरियंस करना है, खुद उसको अनुभव करना है अर्थात खुद वहन करना या खुद दायित्व लेना या शुद्ध भाषा में किसी चीज को अपने ऊपर लेना, ये हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इनकर कर रहे हैं यानी आप खर्च खुद सहन कर रहे हैं वहन कर रहे हैं। सर्टिट्यूड जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए परिस्थितियों में होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक प्रकार की निश्चितता होनी चाहिए। ये वर्ड तो आप जानते हैं ना सर्टेन, इसी सर्टेन से क्या बना सर्टेनिटी बना और यही चीज आपका है सर्टिट्यूड। अगर सर्टिट्यूड को आप ध्यान से देखें बच्चों, अगर आप सर्टिट्यूड को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मर्जिंग किए हुए शब्द हैं। कैसे, जैसे आप जानते हैं जैसे ये विराट और अनुष्का है ना, तो इनका एक नाम बना दिया गया, क्या बना दिया गया विरुष्का बना दिया गया ना। जैसे ये चलिए नॉर्मल वर्ड आपको दे रहा हूं, ये आपका ब्रंच है और ये आपका लंच है और दोनों मिला के बना दिया गया ये आपका ब्रेकफास्ट है और ये आपका लंच है और दोनों मिला के बन गया ब्रंच। वैसे अगर ध्यान से आप देखें, अगर ध्यान से देखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर्टिट्यूड कैसे बना होगा। ध्यान से सोचें, समझ गए, सर्टेन प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू सर्टिट्यूड अर्थात जब आपका एटीट्यूड सर्टेन हो निश्चित हो बिल्कुल तो आपके अंदर क्या एक प्रकार का सर्टिट्यूड है मीन्स निश्चितता है। ठीक है, यानी अ फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन अबाउट समथिंग मीन्स एक प्रकार की सर्टेनिटी है आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, जहां सर्टेनिटी रहेगी अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अस्योरेंस है जहां कॉन्फिडेंस है वहां खुद ही अस्योरेंस रहेगा, एक प्रकार का आश्वासन अपने ऊपर रहेगा, आपको विश्वास रहेगा भरोसा रहेगा, तो सर्टिट्यूड निश्चितता। नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट, ये तो नॉर्मल होना चाहिए, अक्सर आप सुनते हैं वो फ्रंट पर लड़ रहे हैं मीन्स वो मोर्चे पर सामने बिल्कुल लड़ रहे हैं। दिस इज फ्रंट अ जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मीज मीन्स मोर्चा फ्रंट। कैंपिंग, कैंपेन आपने पढ़ा अभियान को कहते हैं, नहीं मैं चाहूंगा आप दो वर्ष और जान लें, पहला तो अभी आपने पढ़ा ही ना, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं ये कैंपेन हो गया, ये वर्ड भी आप जान लें। शैंपेन
ये शैंपेन क्या होती, पी ए जी एन ई यहां पे है, शैंपेन एक शराब होती है बच्चों, एक प्रकार की शराब होती है जो आपने अक्सर टूर्नामेंट से अवगर कपूर जब खिलाड़ी जीतते हैं अक्सर आप कहते हैं शैंपेन ई ओ, मतलब ये करके शैंपेन के द्वारा उन्होंने उस चीज को सेलिब्रेट किया, ये शैंपेन है। एक और शैंपेन होता है ये पी ए आई जी एन है शैंपेन, इस शैंपेन में प्लेन अर्थात एक समतल जो मैदान होता है वो भी शैंपेन होता है। एक कैंपेन है सी ए एम पी ए आई जी एन कैंपेन अभियान आंदोलन, एक है शैंपेन सी एच ए एम पी ए जी एन ए शैंपेन एक प्रकार की शराब, और एक सी एच ए एम पी ए आई जी एन शैंपेन में समतल मैदान हो जाता है, वैसे प्लेन जो होता है वो आपका हो जाता है। तो यहां कैंपेन आपका एक अभियान या आंदोलन के रूप में है, एक प्रकार का ड्राइव है, आंदोलन है, अभियान है, एक प्रकार का एक्सपेडिशन है, अभियान है, ठीक है। और ये लास्ट वर्ड देखें आप, ये आपके दो वर्ड्स हैं, अंडर स्कोर करना, अंडर स्कोर करना मीन्स टू ड्रा अ लाइन अंडर, अंडरलाइन करना। ये ध्यान से देखें, मैं इन शब्दों के नीचे क्या कर रहा हूं बच्चों, ये लाइन खींच रहा हूं ना, मैंने अंडर स्कोर करा किस लिए, ताकि आपका ध्यान इन शब्दों पर जाए, अर्थात मैं इन पर क्या दे रहा हूं, बल दे रहा हूं, दिस इज अंडर स्कोर करना, मीन्स अंडर लाइन करना, ठीक है। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जहां चीजों को अंडर स्कोर करते हैं उस पर क्या करते हैं, बल देते हैं। और लास्ट वर्ड है मॉरलिटीज, मॉरलिटीज क्या है, ये इतना बड़ा लिखा है, देखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल प्रपोजिशंस अकॉर्डिंग टू देयर असर्टिंग और डिनाइंग द पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी ऑफ देयर कंटेंट, अर्थात जो ये बताए कि हाँ ये कार्य ऐसे करना, ये कार्य ऐसे करना, हाँ ये किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, दिस इज तौर तरीके, तरीके ऐसे रहेगा, तौर तरीके या साधन, अर्थात मॉरलिटी से क्या हो जाएंगे, वो तौर तरीके या किसी कार्य को करने का जो साधन होता है वो मॉरलिटी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये हमारे सामने हमारा मेन टॉपिक है। अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन ऑन माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर ट्रेवलर्स, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है या ऐसा एक माहौल बन चुका है बच्चों कि आपको ज्यादातर एयर ट्रेवलर्स ऐसे ही आपको मिलते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले इसका हम टोन देख लेते हैं, इस बच्चों इसका जो टोन है ना ये है कि क्या हम जिस तरीके से इस इस कोरोना को फेस कर रहे हैं और इस कोरोना की वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अन्य ट्रेवलर्स हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां ध्यान रखिएगा। लेखक फिर से यहां पे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव टोन में नहीं है, सब्जेक्टिव टोन में, और सब्जेक्टिव टोन में होने के बाद वह यहां पे सजेस्टिव नहीं कर सकते हैं, यहां पे एक तरह से वो क्या है, एथिकल है, यानी कहीं कहीं कुछ नीतियों को बताना चाहता है कि हाँ इस तरीके से चीजें की जानी चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, यहां आपको ये बताया गया कि जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जहां काम पे लगे हुए थे फंसे रह गए, जो विदेशी थे विदेश में फंसे रह गए, और जो जहां पे राज्यों में फंसे थे फंसे रह गए। जिस समय लॉकडाउन लागू किया गया उस समय तो कई सारी इतनी पाबंदियां थी ट्रेवल्स वगैरह पे कि वो लोग निकल नहीं सकते थे, अर्थात उन स्थानों से बाहर नहीं निकल सकते। अभी सरकार जो है वो तमाम फैसले ले रही है, उन फैसलों में क्या हो रहा है कि वो ईज कर रही है, मीन्स लॉकडाउन में आपको फैसिलिटीज को या रिलैक्सेशन को बढ़ाती जा रही है। तो उससे दिक्कत क्या हो रही है, अभी ट्रेनें चल रही हैं, एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, विमान वगैरह चल रहे हैं, जिनकी वजह से लोग आने जाने लगे हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग ट्रेनों से नहीं जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट से तो मानी विदेश में जाएंगे आएंगे, बट ट्रेनों से लोग नहीं जा रहे हैं, लोग इस तरीके से आ जा रहे हैं जिसकी वजह से तमाम तरीके के वो इंफेक्शन को क्या करते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। तो लेखक कह रहा है अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन, यानी क्वारंटाइन का एक प्रश्न है जहां पे सरकार चाहती है कि जब भी कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए तो उसे 14 दिनों तक अपने आप को
क्वारंटाइन रखने के बजाय सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए वहां की प्रदेश सरकार को कि वह उन लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन निश्चित कर दे। लेकिन जैसे भी केरल में एक केस आया आपने सुना होगा, केरल की सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि 7 दिन उनको पब्लिक क्वारंटाइन में, पब्लिक फैसिलिटीज के साथ क्वारंटाइन में रखा जाए और 7 दिन उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जबकि केंद्र सरकार चाहती है कि आपने 7 दिन पब्लिक फैसिलिटीज के साथ और 7 दिन होम क्वारंटाइन के बजाय आप 14 दिन आप उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखें, अर्थात सरकारी निगरानी में आप उनको रखें, न कि उनको होम क्वारंटाइन में जाने दें। दीज आर द कंट्रास्ट मीन्स कंट्राडिक्शंस, यानी ये वो विरोधाभास है जो आप देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कहीं कहीं एक प्रकार का कंट्रोवर्सियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं, वो आप पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल जो है अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन। क्वारंटाइन समझ रहे हो, अपने आप को उन लोगों से अलग रखना जो लोग संक्रमित हैं और आपको भी डर है कि आप भी शायद हो सकते हैं, लेकिन अभी लक्षण नहीं है इसलिए आप अपने आप को अलग कर ले रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन यानी क्वारंटाइन का प्रश्न, ठीक है, आज किस पर है पूरा एडिटोरियल, आम माइग्रेंट वर्कर्स यानी माइग्रेंट वर्कर्स पर। याद हो गया होगा आपको, आपको माइग्रेंट यानी जो हार्वेस्ट क्रॉपिंग के लिए या फिर रोजगार वगैरह के लिए कभी इस स्थान कभी उस स्थान आते जाते रहते हैं, तो ऑन माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर ट्रेवलर्स, अर्थात ये एडिटोरियल है उन माइग्रेंट वर्कर्स पर और अन्य यात्रियों पर। मैंने कहा था जैसे माइग्रेंट आए तो आप ये वर्ड्स तुरंत ध्यान में रख लें, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, जो जा रहा है वो इमिग्रेंट है, जो आ रहा है वो इमिग्रेंट। ठीक है, द सेंटर एंड स्टेट्स यानी जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं, मस्ट हैव, ये मस्ट यहां क्या है आपका मॉडल है और हैव यहां क्या है मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद वर्ब की फॉर्म में है, यानी है यहां पास रखना होना, द सेंटर एंड स्टेट मस्ट हैव यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, यानी इनके पास यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, अर्थात यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक समान। जैसे ही आपके मन में यूनिफॉर्म आया तो आप ये सब तुरंत देख लें, कौन से शब्द, यूनिफॉर्म हो गया, कन्फॉर्म हो गया, इनफॉर्म हो गया और ट्रांसफॉर्म हो गया ना। यूनिफॉर्म क्या होते हैं, जब आप एक रूप में एक समान अवस्था में होते हैं तो आप यूनिफॉर्म, अर्थात यूनिफॉर्म बच्चों कहते हैं यूनिफॉर्म पहन के जाना, अर्थात जैसा सब लोग सारे बच्चे पहनेंगे वैसा ही पहन करके जाना। कन्फॉर्म क्या होता है, किसी चीज के अनुरूप खुद को ढाल लेना, अर्थात मेल खा जाना, मेल करना, अर्थात उसके जैसा होना। जब आप किसी की आज्ञा वगैरह पालन करते हैं तो भी आप कन्फॉर्म करते हैं, जैसे ही कन्फॉर्म्स टू व्हाट हिज ब्रदर। इनफॉर्म तो आप जानते हैं सूचना देना और ट्रांसफॉर्म एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर जाना। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक समान। द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, इनके पास क्या होना चाहिए, एक जैसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए फॉर ट्रेवलर्स, इनके लिए यात्रियों के, यानी यात्रियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, एक समान क्या होनी चाहिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों क्या आप ये जो लाइन है पूरी लाइन, क्या इसके सारी वर्ड्स आप पार्स कर सकते हैं, क्या इसमें एक एक शब्द बता सकते हैं कि कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन, कौन सा क्या है, द क्या है यहां पे, सेंटर क्या है यहां, एंड क्या है, स्टेट्स क्या है, मस्ट क्या है, हैव क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है,
फार क्या है और ट्रेवलर्स क्या है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या द आप समझ रहे हैं आर्टिकल होता है जो यहां एक क्वालिफायर या डिटरमिनर की तरह कार्य कर रहा है, किसके लिए, सेंटर के लिए। तो सेंटर यहां क्या है आपका नाउन हो गया, केंद्र सरकार तो नाउन हो जाएगा। एंड क्या होता है आपका एक कंजंक्शन जो दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। एंड स्टेट्स, अगर ये सेंटर यहां नाउन है तो एंड के बाद जो जुड़ेगा वो भी क्या रहेगा, नाउन ही रहेगा, ठीक है, तो ये भी नाउन हो गया। मस्ट हैव, मस्ट यहां क्या है, आसान है, मस्ट क्या है यहां मॉडल है ना, ध्यान रखिए बच्चों, मस्ट एक नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, मस्ट मीन्स वो जो आवश्यक हो, वो चीज है। यहां क्या हो जाएगी, तो अगर ये मॉडल है तो है क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब होती यदि इसके बाद कोई वी थ्री होती, लेकिन है नहीं, ये मेन वर्ब हो जाएगी। तो अगर ये मस्ट मॉडल हो गई, हैव मेन वर्ब हो गई, तो यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता है। जब भी किसी शब्द में मेंट जुड़ा हो तुरंत समझ जाए कि वो शब्द क्या है, आपका नाउन है। अगर ये नाउन है तो इस नाउन के पहले यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फार तो आप बचपन से जानते हैं, यहां पर क्या है, चूंकि नाउन के पहले फार है तो क्या है यहां पर, प्रीपोजिशन है। और अगर ये प्रीपोजिशन है तुरंत कह दें ट्रेवलर्स क्या है, आपका नाउन है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, जब भी किसी शब्द के अंत में मेंट आता हो, शिप आता हो, आईएसटी आता हो, आईएसएम आता हो, दम अगर आपको ना दिख रहा डी ओ एम है, दम आता हो, ये क्या है आपके नाउन है। किसी शब्द के अंत में अगर ओ आर आता हो तो भी वो नाउन में आता है, ठीक है। अगर किसी शब्द के अंत में कोई जैसे वर्ब है, यहां मैं लिख दे रहा हूं वर्ब है, और उस वर्ब में ए एल जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो वो भी क्या होता है, आपका नाउन होता है। छोटे छोटे अंशों में आप चाहे तो उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी शब्द के अंत में अगर नेस आता है तो वो भी क्या है, आपका नाउन है आपका, ठीक है। ये नेंट मैंने लिखा होगा, ये सारे जो है आपके नाउन है। इनके अलावा किसी शब्द के अंत में एस आई ओ एन आता हो वो भी नाउन है, टी आई ओ एन आता हो वो भी नाउन होता है, ठीक है, आई एस टी आता हो वो भी नाउन होता है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, तो द सेंट्रल एंड स्टेट्स मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रेवलर, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, मीन्स एक समान व्यवस्थाएं होनी चाहिए फॉर ट्रेवलर्स, किनके लिए, ट्रेवलर्स के, यात्रियों के लिए। देखिए एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पहले टेंस ऑफ थाउजेंड्स, फिर थाउजेंड्स ऑफ पीपल मीन्स सैकड़ों हजारों लोग, ये कहेंगे ना, मीन्स लाखों लोग। ऐसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मूव अक्रॉस, जैसे ही मूव अक्रॉस आए तो आपके मन में तुरंत एक शब्द आ जाए, कौन सा, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स क्या होता है बच्चों, याद है आपको, कम अक्रॉस मीन्स चांस अपान, चांस अपान मीन्स क्या होता है, रन इनटू, रन इनटू मीन्स क्या होता है, बंप इनटू मीन्स अचानक मिल जाना, ठीक है, टकरा जाना, वैसे तो एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जब सैकड़ों हजार लोग मीन्स लाखों लोग मूव अक्रॉस, मूव अक्रॉस एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी एक जगह से दूसरी तरफ जाना, कहां पर, स्टेट्स में। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर इट मीन्स यू आर मूविंग अक्रॉस, तो एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मूव अक्रॉस स्टेट्स, जब हजारों लाखों लोग राज्यों में मूव अक्रॉस एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हो, आ जा रहे हो। मेनी ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, जिनमें बहुत सारे क्या हो, माइग्रेंट वर्कर्स हो, प्रवासी मजदूर हो,
एंड देयर फैमिलीज और उनके परिवार हो, ट्रेवलिंग हु आर ट्रेवलिंग जो क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो एज अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, किस रूप में अनऑर्गेनाइज्ड अव्यवस्थित समूहों के रूप में। किसी भी शब्द के अंत में अगर ईडी जुड़ा है तो नॉर्मली वो पास्ट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वो एडजेक्टिव होता है। ग्रुप्स क्या है नाउन, उसके पहले ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर से देखें आप, करें एक ऐसी अवस्था जब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लाखों लोग मूव अक्रॉस स्टेट्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में कहें या फिर राज्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हो, मेनी ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स जिनमें बहुत सारे प्रवासी मजदूर हो एंड देयर फैमिलीज और उनके परिवार हो, ट्रेवलिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, और वो कैसे यात्रा कर रहे हो, ट्रेवलिंग एज कैसे यात्रा कर रहे हो, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स अव्यवस्थित समूहों में यात्रा कर रहे हो, तो ऐसी अवस्था में द सेंटर जो केंद्र सरकार है, जैसे ही सेंटर के पहले द लगा तुरंत समझ जाए सेंटर नाउन है, ऐसी अवस्था में जो केंद्र सरकार है फाइंड्स इटसेल्फ, देखिए सरकार के लिए सामूहिक रूप का प्रोनाउन क्या लिया गया, इटसेल्फ न कि देमसेल्फ, तो ऐसी अवस्था में जो सरकार केंद्र सरकार है फाइंड्स इटसेल्फ फेसिंग, ये अपने आप को सामना करता हुआ करती हुई पा रही है, अ फ्रेश फ्रंट एक नए मोर्चे पर, यानी ऐसा लग रहा है जैसे सरकार एक नए मोर्चे पर क्या कर रही हो, फेसिंग सामना कर रही हो इन द कैंपेन। कैंपेन याद हो गया बच्चों, कैंपेन याद हो गया, तुरंत जैसे आए तुरंत क्या आ जाए आपके मन में, ड्राइव हो या एक्सपेडिशन, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चलो, तो ऐसी अवस्था में केंद्र सरकार फाइंड्स इटसेल्फ फेसिंग अ फ्रेश फ्रंट, सरकार को एक नए मोर्चे पर फेस करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है इन द कैंपेन, इस अभियान में। कौन सा अभियान, टू कंटेन, कंटेन तो याद ही होगा ना, नियंत्रित करना, टू कंटेन द कोविड 19 पैंडेमिक, कौन सा अभियान जिसमें वो कोविड 19 पैंडेमिक अर्थात इस महामारी को क्या करना चाह रही हो बच्चों, कंटेन करना चाह रही हो, मीन्स उसे क्या करना चाह रही हो, क्या करना चाह रही हो, ये करना चाह रही हो, कंट्रोल करना चाह रही हो, नियंत्रित करना चाह रही हो। वाइल इट वॉज पॉसिबल, यानी जब एक तरफ संभव था तो शट डाउन क्या कर देना, बंद कर देना ऑप्शनल पब्लिक एक्टिविटी, यानी वैकल्पिक पब्लिक एक्टिविटी को, यानी पब्लिक एक्टिविटी को शट डाउन करना क्या था, पॉसिबल था, संभव था। एंड ट्रेवल, और किस चीज को शट डाउन करना संभव था, यात्रा को बंद करना संभव था, कब, अर्ली ऑन शुरुआत में, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, किस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, ये लॉकडाउन के दौरान शुरू में, अर्ली ऑन शुरुआत में ट्रेवल पर और पब्लिक एक्टिविटी पर, यानी ऑप्शनल पब्लिक एक्टिविटी को शट डाउन करना क्या था उस समय, पॉसिबल था शुरू में। लेकिन वो लोग हु वर स्ट्रांडेड, याद हो गया होगा, जो लोग फंसे रह गए थे विद इन द कंट्री, कहां पर, देश के ही अंदर, विद इन मींस के अंदर। अगर कभी आपके मन में आए कि सर इसमें क्या फर्क है, इन और विद इन, तो याद रखें आप किसी सीमा के अंत तक की बात कर रहे हो तो इन का प्रयोग करिएगा, और सीमा के अंदर की बात कर रहे हो तो आप विदिन का प्रयोग करें। जैसे कोई कहे वह एक सप्ताह में आ जाएगा, एक सप्ताह में अंतिम दिन तक, तो क्या हो जाएगा, वो इन हो, लेकिन एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, विदिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो दोस्तों वो लोग हु वर स्ट्रांडेड, जो क्या रह गए थे, फंसे रह गए थे विद इन द कंट्री, देश के ही अंदर, एंड एब्रॉड, और कहा, याद हो गया ना, और विदेशों में फंसे रह गए थे, हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया है रिटर्निंग होम, क्या करना, वापस लौटना, सचिन उन्होंने वापस लौटना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है, किन लोगों ने, जो लोग स्ट्रांडेड विद इन द कंट्री, यानी जो लोग
देश के अंदर फंसे रह गए थे एंड अब्रॉड, और कहां फंसे रह गए थे, विदेशों में फंसे रह गए। आप अपने को नहीं सोच रहे, मैंने आवाज दे दी। चलिए बच्चों, इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपने पढ़े और आपको समझ में आ गए? क्वारंटाइन समझ गए होंगे आप, माइग्रेंट तो आपके बिल्कुल इजी हो गया होगा, और मस्ट हैव यहां में आप समझ गएंगे। अगर यहां वी थ्री होता तो इसका मतलब वो वर्ब होती, वो नहीं है, इसका मतलब हैव मेन वर्ब है और मस्ट हेल्पिंग वर्ब। यूनिफॉर्म एक समान, रिक्वायरमेंट्स यहां व्यवस्थाओं के रूप में, वैसे रिक्वायरमेंट्स में सब आवश्यकताएं भी होती हैं। और कोई वर्ड मूव अक्रॉस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और कोई वर्ड अनऑर्गेनाइज्ड, जो अव्यवस्थित है। फ्रंट मोर्चा पे नहीं, फ्रंट पे गया है, मोर्चे पर गया है। कैंपेन याद हो गया, ड्राइव हो अभियान। कंटेन याद करिए, कंटेन मीन्स रखना या भरना भी होता है, बट यहां कंटेन मीन्स नियंत्रित कर। पैंडेमिक याद हो गया, पेस्टिलेंस महामारी। शटडाउन बंद कर देना, क्लोज डाउन कर देना। एक्टिविटी आप जानते हैं, क्रियाविधि कार्य को कहते हैं। ड्यूरिंग के दौरान, जैसे ड्यूरिंग द समर यानी गर्मी के दौरान। स्ट्रॉन्डेड याद हो गया, फंसे हुए लोग, वन हु वर लेफ्ट स्ट्रॉन्डेड। एब्रॉड याद हो गया, इन फॉरेन कंट्रीज या अक्रॉस द बॉर्डर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वनली सम, कुछ कहां फंस गए थे, देश में फंस गए थे, कुछ कहां फंस गए थे, विदेश में फंस गए थे। तो वनली सम, केवल कुछ लोग आर ट्रेवलिंग, क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा एक चीज, जैसे हमें कहना हो ही वनली गोज और ही अलोन, ध्यान रखिएगा। अगर ये वल्ली आपने ही के लिए लगाया है तो गलत है। जिसके लिए आप फोकस कर रहे हो उससे पहले वल्ली को रखा जाता है, तो वल्ली ही वो, केवल वो जाता है। लेकिन एलोन क्या होता है, जिसके लिए आप लगाते हैं उसके बाद लगाते हैं। जैसा आपने कहा वल्ली माय फादर केम, सही है, वल्ली माय फादर केम। लेकिन एलोन लगाना हुआ क्या हो जाएगा, माय फादर अलोन केम हो जाएगा। तो वनली सम, केवल कुछ लोग आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, केवल कुछ ही लोग हैं जो ट्रेन से क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। एंड एयरक्राफ्ट, और किससे यात्रा कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट से, विमान से यात्रा कर रहे हैं। तो आपको बताना होगा बच्चों ऐसा क्यों अन्याय किया गया, यहां ट्रेन में एस जोड़ा गया है लेकिन एयरक्राफ्ट में एस नहीं जोड़ा गया, ये तो अन्याय है ना, क्यों ऐसा किया गया, याद है? क्योंकि कभी भी अगर आप शेप का प्रयोग करें, श्वाइन का प्रयोग करें, डियर का प्रयोग करें, मैकरल का प्रयोग करें, सैल्मन का प्रयोग करें, क्वाड का प्रयोग करें, पाइप का प्रयोग करें, एयरक्राफ्ट, अगर आप नहीं देखा मैं बोल रहा हूं एयरक्राफ्ट का प्रयोग करें, या मैं यहां लिख रहा हूं एयरक्राफ्ट का प्रयोग करें, इसके अलावा कभी भी अगर आप हेडक्वार्टर्स का प्रयोग करें, बैरक्स का प्रयोग करें, क्वार्टर्स का प्रयोग करें, सीरीज का प्रयोग करें, स्पेसीज का प्रयोग करें, ये कैसे नाउंस हैं? ये वो नाउंस हैं जिनमें सिंगुलर, और भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों जिसको लेकर आपको कंफ्यूजन होता है, इनिंग्स, ठीक है, ये इनिंग्स है। इनमें कभी भी आप कुछ हटाएं या जोड़े नहीं, आप इनको सिंगुलर और प्लूरल समान अवस्था में यूज करें। इसमें कुछ वर्ड्स नहीं लिखे, जैसे अपैरेटस वगैरह भी होता है, इनमें आप हमेशा समान अवस्था में यूज करें। अब आप इन्हीं कर सकते हैं द शिप्स आर गोइंग, द एयरक्राफ्ट्स आर कमिंग, गलत होगा, इनमें एस नहीं जुड़ा। इसलिए ट्रेन में देखिए एस जुड़ा है लेकिन एयरक्राफ्ट में एस नहीं जुड़ा, क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही समान, ठीक है।
तो only some are traveling by trains and aircraft. कुछ ही लोग हैं जो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और एयरक्राफ्ट से यात्रा कर रहे हैं. एंड और द सिस्टम ऑफ क्वारंटाइन इन द स्टेट्स, और जो राज्यों में क्वारंटाइन की व्यवस्था है, सिस्टम है, और इस सिस्टम के अनुसार देखिए क्या लगा यहां पे इज है ना. तो जो राज्यों में देखिए कितना बढ़िया यूज है बच्चों, द स्टेट्स के पहले इन है प्रीपोजिशन, द स्टेट्स कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है. क्वारंटाइन के पहले क्या है, ऑफ है, इसलिए क्वारंटाइन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है. और ऑफ के पहले द सिस्टम नाउन है, इसलिए सब्जेक्ट यही होगा, और इसीलिए इसके अनुसार क्या लगा है, इज लगा. ठीक है, तो द सिस्टम ऑफ क्वारंटाइन इन द स्टेट्स, यानी राज्यों में जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है, इज नॉट यूनिफॉर्म. वो क्या नहीं है, वो एक रूप नहीं, एक समान नहीं. अर्थात राज्यों में क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है वो एक समान नहीं है. ठीक है, द सेंट्रल यानी जो केंद्र सरकार है, एज द लॉकडाउन रेगुलेटर, एज मीन्स के रूप में, किस रूप में, एज द लॉकडाउन रेगुलेटर, रेगुलेटर समझते हैं बच्चों, जो नियंत्रित करता हो, जो संचालित करता हो, वो रेगुलेटर होता है. जैसे ये आपको ये वर्ड आए ना रेगुलेटर, वैसे ही आपके मन में ये वर्ड भी आना चाहिए मोटिवेटर, वैसे ही आपके मन में ये वर्ड भी आना चाहिए प्रोटेक्टर, वैसे ही आपके मन में ये वर्ड भी आना चाहिए स्टिमुलेटर. ऐसे वर्ड्स बनाए, रेगुलेटर जो नियंत्रित करता हो, संचालक हो, मोटिवेटर वन हो मोटिवेट्स, प्रोटेक्टर वन हो प्रोटेक्ट्स, स्टिमुलेटर वन हो स्टिमुलेट्स, जो आपको एक्साइट करता हो प्रेरित करता हो. ठीक है, तो द सेंटर यानी केंद्र सरकार, एज द लॉकडाउन रेगुलेटर, जो इस लॉकडाउन यानी बंद कर राष्ट्रव्यापी जो बंदी हो रही लॉकडाउन हो रहा है, उसके रेगुलेटर के रूप में है. अर्थात केंद्र सरकार ही है जो इस लॉकडाउन को क्या कर रही है, बंद कर रही है, खोल रही है. वो केंद्र सरकार नाउ अब हैज द इंपॉर्टेंट टास्क, उस केंद्र सरकार का अभी महत्वपूर्ण कार्य है ऑफ क्रिएटिंग, जैसे आप आया देखे वर्ब प्लस आईएनजी, उसका ये महत्वपूर्ण कार्य है ऑफ क्रिएटिंग की वो निर्माण करे अ कंसेंसस. क्या, किस चीज का निर्माण करे, एक आम सहमति बनाए, एक आम सहमति के माहौल का निर्माण करे विद द स्टेट्स, किनके साथ, उन राज्यों के साथ, ऑन द क्वारंटाइन मॉडलिटीज, किस चीज पर आम सहमति बनाए, क्वारंटाइन मॉडलिटीज यानी क्वारंटाइन के तौर तरीकों पर. मॉडलिटीज याद हो गया आपको ना, तौर तरीके मीन्स आपके जो क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, या आपके जो मीन्स होते हैं, कार्य करने के तरीके होते हैं इन पर. यानी केंद्र सरकार जो कि इस लॉकडाउन के रेगुलेटर है, वही से रेगुलेट कर रही, नियंत्रित कर रही है. नाउ हैज द इंपॉर्टेंट टास्क, केंद्र सरकार का अब क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है. कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है, ऑफ क्रिएटिंग अ कंसेंसस, कि वो आम सहमति बनाए विद द स्टेट्स, किनके साथ, राज्य सरकारों के साथ, अंडर क्वारंटाइन मॉडलिटीज, किस चीज को लेकर के, कि हम क्वारंटाइन के तौर तरीके कौन से अपनाएं, यानी क्वारंटाइन करने के तौर तरीकों को लेकर के वह राज्य सरकारों के साथ क्या बनाए, एक कंसेंसस बनाए. अरे कंसेंसस बनाना क्या है, ये बनाना क्या है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, किसका, केंद्र सरकार का. कौन सी केंद्र सरकार, जो इस लॉकडाउन की क्या है, रेगुलेटर है. कंफ्यूजन, जब भी किसी शब्द के अंत में एस आई ओ एन या आई ओ एन आए तो समझ जाए वो क्या है, आपका नाउन है. जब भी किसी शब्द के अंत में आई एन जी आए और वो किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बगल में हो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के तो समझ जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका ता हुआ ते हुए कर करके ऐसे आ जाए. कंफ्यूजन सराउंडिंग क्वारंटाइन, यानी वो कंफ्यूजन विच इज सराउंडिंग क्वारंटाइन, यानी वो भ्रम विच इज सराउंडिंग क्वारंटाइन, जो किसको लेकर के है, क्वारंटाइन को लेकर के, यानी वो भ्रम जो क्वारंटाइन को लेकर के है फॉर पैसेंजर्स, किसके लिए, यात्रियों के, यानी यात्रियों के लिए जो क्वारंटाइन को लेकर के क्या एक प्रकार का भ्रम है,
कौन से यात्री? Who took the first relief trains? जिन्होंने जब पहली बार रिलीफ ट्रेन राहत वाली ट्रेनें चलाई गई थी फ्रॉम न्यू दिल्ली, जो नई दिल्ली से चलाई गई थी टू वेरियस सिटीज, कहां के लिए? तमाम बड़े बड़े शहरों के लिए, बेंगलुरु के लिए, पटना के लिए और कलकत्ता के लिए, तमाम जगहों के लिए। लीडिंग टू सम ऑफ देम रिटर्निंग टू द नेशनल कैपिटल, लेकिन ये ट्रेनें लेकर के तो गई वहां उन लोगों को, लेकिन लीडिंग सम ऑफ देम रिटर्निंग टू द नेशनल कैपिटल, लेकिन उनमें से कुछ वापस कहां आ गए? दिल्ली आ गए। ये लाइनें शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से आपको समझा। देख, कंफ्यूजन यानी एक प्रकार का भ्रम सराउंडिंग क्वारंटाइन, जो किसको लेकर के है? क्वारंटाइन को लेकर के है। फॉर पैसेंजर्स, किसके लिए? यात्रियों के लिए, नहीं यात्रियों के लिए। क्वारंटाइन को लेकर के जो एक भ्रम है, कौन से यात्री? Who took the first relief trains from New Delhi to various cities, जो नई दिल्ली से वो राहत वाली जो ट्रेनें थी पहली, जो सबसे पहली चली, वो जो कई सारे बड़े शहरों जा रही थी, उन्होंने Who took, उन ट्रेनों में बैठ गए वो। Leading to some of them returning to the national capital, लेकिन हुआ क्या कि वो गए तो उनमें से कुछ कहां चले आए? वापस नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली, वापस नई दिल्ली वापस चले आए। ये घटना यानी ये जो कंफ्यूजन है बच्चों, ये कंफ्यूजन अंडर स्कोर्स इससे इस तरह क्या देता है? बल देता है द नीड फॉर एग्रीमेंट, कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में किस चीज की आवश्यकता है? एग्रीमेंट की आवश्यकता है। मीन्स किस चीज की आवश्यकता है? यूनैनिमिटी की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? हार्मनी की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? कंसेंसस की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? कंकॉर्ड की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीज इस चीज को अंदर तो रहे, यानी ये कंफ्यूजन जो है ये इस चीज पर बल दे रहा है द नीड फॉर एग्रीमेंट, क्योंकि राज्यों और केंद्र के बीच में क्या होना चाहिए? एक प्रकार की सहमति होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। द रिस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया है, सो फार में समझते हैं बच्चों, टिल नाउ, यानी जो प्रतिक्रिया है टिल नाउ, सो फार, अब तक वो प्रतिक्रिया हैज बीन फ्लैट फुटेड इन सेवरल स्टेट्स। वो ये बता रही है कि कई सारे राज्यों में, सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल लेना हो, ठीक है, कि कई सारे राज्यों में, अनेक राज्यों में जो रिस्पांस है वो क्या है? फ्लैट फुटेड है। मीन्स वो राज्य अभी कहीं से भी पूरी तैयारी के साथ नहीं है, अर्थात उन राज्यों को कहीं कहीं कठिनाई का क्या करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं, पहले वर्ष देखें इसमें कौन कौन से वर्ष आपने पढ़े। सबसे जरूरी है कि हम केवल कहानी पढ़ रहे हैं, हम ये देखें कि हम क्या वर्ड्स हमारे तैयार हुए, स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ। तो इसमें कौन सा वर्ड जाना आपने? एयरक्राफ्ट आपने जाना। कभी भी इसमें क्या नहीं जोड़ी है बच्चों? एस नहीं जोड़ी। एयरक्राफ्ट इज सिंगुलर एज वेल एज प्लेवर। ओके, क्वारंटाइन समझ गए आप, और यूनिफॉर्म समझ गए, एक समान। रेगुलेटर नियंत्रक, जो उसको संचालित कर रहा है, उसे चला रहा है। टास्क समझते हैं, लक्ष्य होता है, कार्य को कहते हैं। कंसेंसस याद हो गया, आम सहमति। मॉडलिटीज याद कर लीजिएगा, मॉडलिटी मीन्स होता है कोई मेथड, कोई तौर तरीका, कार्य करने का साधन, मीन्स जो होते हैं। और कोई वर्ड, वेरियस भिन्न भिन्न अलग अलग। अंडर इसको याद हो गया, बल देना किसी चीज पर, अंडरलाइन करना, प्रेशर डालना। रिस्पांस प्रतिक्रिया, फ्लैट फुटेड याद हो गया, कठिनाई में होना, अर्थात कठिनाई से युक्त या जो अभी बिना तैयारी की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पैसेज आपका, ट्रेन पैसेंजर्स यानी जो ट्रेन के यात्री हैं, जैसे ऐसे पर ट्रेन पैसेंजर तो सवाल है बच्चों, ये पैसेंजर्स यहाँ पे क्या है? नाउन, तो ट्रेन उसके लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या आप कह सकते हैं ये एक कंपाउंड नाउन की तरह है। ट्रेन पैसेंजर्स अराइविंग, जैसे ही किसी नाउन के बगल में आई एन जी देखे तो समझ जाए तो वो वहां क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि अगर एक वर्ब होती तो उसके पहले इज एम आर वाज वर हैज बीन हैव बीन होता। इससे फायदा क्या है इसका? कि उस सब्जेक्ट के अनुसार, नाउन के अनुसार हु या विच वगैरह का प्रयोग करके बोले। ऐसे
ट्रेन पैसेंजर्स यानी वो यात्री who were arriving या इस तरीके अनुसार who are arriving ऐसे बोल तब आसान है, यानी वो ट्रेन यात्री arriving in बेंगलुरु जो कहां आ रहे थे पहुंच रहे थे बेंगलुरु में पहुंच रहे थे protested। अब देखिए वर्ब आ गई आपकी, उन पैसेंजर्स ने क्या किया protested विरोध किया that कि they received no advance notice, advance notice समझते हैं उन्हें कोई भी अग्रिम सूचना नहीं मिली थी। बच्चों यहां नॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है और ये एडवांस नोटिस क्या है आपका नाउन के रूप में, नाउन फेज है आपका, जब ये नाउन फेज हो गया तो नाउन फेज पहले एडजेक्टिव ले सकते ना कि एडवर्ब। तो उन्होंने ये विरोध किया ये कहते हुए दैट दे रिसीव्ड नो एडवांस नोटिस, उन्हें कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, तो उन्हें किसमें रखा जाएगा सरकारी देखरेख में, निगरानी में रखा जाएगा अर्थात हॉस्पिटल्स वगैरह में रखा जाएगा। ऑल्दो यद्यपि कि दे वर गिवन एन ऑप्शन, उन्होंने ये कहा उन यात्रियों ने कि उन्हें ये विकल्प दिया गया था कि पैसिव आंसर, दे वर गिवन उन्हें ये विकल्प दिया गया था एन ऑप्शन टू स्टे इन होटल्स कि वो होटल्स में ठहरे फॉर 14 days, समझ रहे होंगे यानी 14 दिनों के लिए वो होटल्स में ठहरे ये विकल्प दिया गया था इनकरिंग, लेकिन कैसे खुद वहन करते हुए खुद उठाते हुए, क्या उठाते हुए कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर वो भारी भरकम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में समझ रहे हैं ना बच्चों, एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंसेस आपके आपके जो खर्चे होते हैं, या अगर अच्छा वर्ड यूज करना चाहें तो ये डिसबर्समेंट्स, डिसबर्समेंट्स मीन्स खर्चे व्यय। तो उन्हें ये विकल्प दिया गया था कि वो टू स्टे इन होटल्स फॉर 14 days, वो 14 दिन होटल्स में ठहर सकते हैं लेकिन इनकरिंग कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर, लेकिन जो भारी भरकम खर्च आएगा 14 दिन के होटल के खर्चे में इनकरिंग, वो खर्च में खुद क्या करना होगा उठाना होगा खुद वहन करना होगा, इनकर याद हो गया ना वहन करना खुद अपने ऊपर लेना। लेबरर्स कंपल्सरी क्वारंटाइन, वो लेबरर्स वो मजदूर कंपल्सरी, कंपल्सरी समझ लेना बच्चा, ये देखिए वर्ड आप देखिए पहला वर्ड बनता है आपका कॉम्पेल, कॉम्पेल मीन्स मजबूर करना बाध्य करना विवश करना फोर्स करना, इसी कॉम्पेल से बना कंपल्सन, इसी कंपल्सन से बना एसरी कंपल्सरी, और इसी में वाई हटा करके आपने एडवर्ब बना दिया कंपल्सरली। कॉम्पेल क्या था वर्ब बाध्य करना मजबूर करना, तो कंपल्सन आईओएन है ना एसआईएन नाउन हो गया यानी मजबूरी बाध्यता व्यवस्था अनिवार्यता, तो कंपल्सरी ये क्या हो गया एडजेक्टिव यानी विवश करने वाला, और कंपल्सरली एलवाई जुड़ गया एडजेक्टिव में तो ये क्या हो गया एडवर्ब यानी अनिवार्य रूप से मजबूरी पूर्ण तरीके से। देखें लेबरर्स कंपल्सरली क्वारंटाइन इन उत्तर प्रदेश, यानी वो मजदूर हु वर कंपल्सरली क्वारंटाइन जिन्हें जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया था इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, कहा उत्तर प्रदेश और बिहार में, वो लेबरर्स एस्केप्ड फ्रॉम, याद रखिएगा एस्केप फ्रॉम, वो लेबरर्स एस्केप फ्रॉम यानी भाग गए द फैसिलिटीज उन स्थानों से आफ्टर कंप्लेनिंग, कब ये शिकायत करने के बाद ऑफ बैड कंडीशंस, कि जहां उन्हें क्वारंटाइन किया गया है ऑफ बैड कंडीशंस वहां की स्थितियां वहां की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, ये कहते हुए वो स्टेट फ्राम कर गए, कौन मजदूर जो उत्तर प्रदेश और बिहार में थे, कौन से जो कंपल्सरी क्वारंटाइन जिन्हें जबरदस्ती क्या किया गया था क्वारंटाइन में डाल दिया गया था। इन केरला, केरल में क्या हुआ The center insists, center insists, insist means क्या होता है बच्चों याद है आपको insist, insist means किसी चीज पर जोर देना, जैसे ही आपके मन में insist आए वैसे ही आपके मन में consist आ जाए, वैसे ही आपके मन में persist आ जाए, वैसे ही आपके मन में
विशिष्ट पांच। इनसिस्ट क्या होते हैं, किसी चीज पर प्रेशर डालना अर्थात उस पर जोर डालना जबरदस्ती करना। कंसिस्ट क्या होते हैं, किसी चीज में निहित होना, निहित होना कंसिस्ट। जैसे माई पॉम कंसिस्ट ऑफ फाइव फिंगर्स, मेरे जो हाथ है ये पांच उंगलियों से निहित है अर्थात उससे बना है, ये कंसिस्ट होता है। परसिस्ट क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना, जारी रहना अर्थात जारी रखना, ये परसिस्ट होता है। तो रेसिस्ट क्या होता है, प्रतिरोध करना, विरोध, डट कर किसी का विरोध करना। ठीक है, तो इंसिस्ट जोर देना, कंसिस्ट किसी चीज से बना होना, निहित होना, परसिस्ट जारी रखना विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, और रेसिस्ट विरोध करना, प्रतिरोध करना। ऐसे बढ़ाव अच्छी बना। तो देखें यहां से कह रहे इन केरला, केरल में द सेंट्रल इंसिस्ट, केंद्र सरकार क्या दे रही, जोर दे रही ऑन अ 14 डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। क्या कहते हैं कि 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए, यानी संस्थागत रूप से क्वारंटाइन में रखा जाए, फॉर दोज जिनके लिए, उन लोगों के लिए अराइविंग बाई एयर, जो लोग बाई एयर, बाई एयर, बाई पोस्ट, बाई हैंड, बाई मेल, ऐसे आप करें तो बाई एयर यानी जो लोग विमान यात्रा करके आ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं विदेशों से, उनको केंद्र सरकार कह रही है कि 14 दिन आप क्या करें, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखें, अथवा सरकारी देखरेख में उनको क्वारंटाइन में रखें। रिजेक्टिंग द स्टेट्स प्रपोजल, रिजेक्टिंग यानी रिजेक्ट करते हुए राज्य सरकार के प्रस्ताव को, कौन सी राज्य सरकार, केरल, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही है, फॉर 7 डेज इन अ पब्लिक फैसिलिटी, जो राज्य सरकार कह रही है कि 7 दिन तो हमने पब्लिक फैसिलिटी में रखें, एंड अनदर 7 एट होम, और अगले 7 दिन हम उन्हें घर में रखें क्वारंटाइन में। लेकिन केंद्र सरकार इसे क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है और कह रही नहीं, आप 14 दिनों तक उन्हें कहां रखें, सरकार की ही देखरेख में अर्थात संस्थाओं की देखरेख में रखें, घर पे ना भेजें उन्हें 7 दिन के बाद। ट्रेन पैसेंजर, जो ट्रेन पैसेंजर्स हैं वर गिवन अ होल क्वारंटाइन ऑप्शन। हाँ, उन्होंने केंद्र सरकार ने कहा कि जो ट्रेन पैसेंजर्स हैं वर गिवन अ होल क्वारंटाइन ऑप्शन, आप उन्हें होल क्वारंटाइन का विकल्प दे सकते हैं, दे दिया गया। सच अ लैक ऑफ सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड याद हो गया ना, सर्टेन प्लस एटीट्यूड अर्थात सर्टेनिटी, निश्चितता, कॉन्फिडेंस। तो सच अ लैक ऑफ, लैक ऑफ याद रखेगा बच्चों, ठीक है, किसी चीज की कमी है, जैसे आप नॉलेज वगैरह में कमी है ना, तो लैक इन, बट कोई परिस्थिति है तो लैक ऑफ, कोई चीज भी है तो लैक ऑफ। सच अ लैक ऑफ सर्टिट्यूड यानी इस प्रकार की निश्चितता की जो कमी है, इवन एज द एक्सटेंडेड लॉकडाउन इज सेट टू एक्सपायर, वो भी कब, एज द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, जब ये बढ़ाया हुआ जो लॉकडाउन है इज सेट टू एक्सपायर, क्या होने वाला है, संयोग से आज ही खत्म होने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो लैक ऑफ सर्टिट्यूड है, निश्चितता की कमी है, रिफ्लेक्स वो प्रतिबिंबित करती है, प्रदर्शित करती है क्या, फेलियर, असफलता को, कौन सी सफलता, एट बिल्डिंग कंसेंसस, कि हम क्या किस चीज में असफल हो रहे हैं, हम कंसेंसस को बिल्ड करने में क्या हो रहे हैं, असफल हो रहा था, कंसेंसस का निर्माण करने में क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों वर्ष देखें जल्दी से, तो प्रोटेस्ट याद हो गया, विरोध करना, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, संस्थागत क्वारंटाइन, और इनकर अपने ऊपर लेना, खुद वहन करना, खुद खर्चे उठाना, कंसीडरेबल एक्सपेंडिचर भारी भरकम खर्च, अधिक खर्च, कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य रूप से, एस्केप फ्रॉम, भाग जाना कहीं से, इंसिस्ट जोर देना, किसी चीज को फोर्स करना, प्रेशर डालना, और कोई वर्ड आपका, सर्टिट्यूड निश्चितता, एक्सटेंडेड बढ़ाया हुआ एडजेक्टिव के रूप में,
और रिफ्लेक्स मीन्स प्रतिबिंबित करता है, प्रदर्शित करता है। कंसेंसस आम सहमति, और ये लास्ट पैसेज है आपका। विद फर्दर ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, समझ रहे होंगे आगे लॉकडाउन क्या होते जा रहा है बच्चों, ईजिंग, उसमें राहत मिलती जा रही है। इफ नॉट फुल विदड्रॉल, फुल विदड्रॉल, विदड्रॉल में क्या होती है पूरी तरह से वापस ले, इफ यू आर टेकिंग समथिंग बैक कंप्लीटली यू आर डूइंग इट विदड्रॉल, तो इफ नॉट फुल विदड्रॉल, यानी यदि पूरी तरह से वापसी नहीं भी होती, यानी यदि पूरी तरह से लॉकडाउन की समाप्ति नहीं भी होती है, तो ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन में रियायत तो जरूर दी जाएगी, तो होगा क्या बच्चों, मेनी मोर विल वांट, मेनी मोर और अधिक लोग चाहेंगे, विल वांट चाहेंगे टू मूव विद इन एंड बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के अंदर वो घूमना चाहेंगे एंड बिटवीन स्टेट्स, और राज्यों के बीच में घूमना चाहेंगे, कैसे, बाय रेल, यानी ट्रेनों से घूमना चाहेंगे एंड रोड और ट्रांसपोर्टेशन द्वारा, यानी बसों द्वारा घूमना चाहेंगे, बिसाइड्स दोज, उन लोगों के अलावा रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, जो कहां से लौट रहे होंगे, विदेशों से लौट रहे होंगे, ठीक है। ऑल स्टेट्स हैव टू प्रिपेयर, सभी राज्यों को हैव टू प्रिपेयर, हैव टू यानी होना होगा या होना है, सभी राज्यों को तैयार रहना है फॉर दिस, इसके लिए, किसके लिए, जब बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वो राज्यों में और राज्यों के बीच में घूमे, रेल से घूमे, रोड से घूमे, और वो लोग जो विदेशों से आ रहे हैं, इन सब के लिए ऑल स्टेट्स हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, राज्यों को क्या रहना होगा, तैयार रहना होगा, बाई एग्रीइंग ऑन, किसी विषय पर सहमत होना एग्री ऑन, किसी व्यक्ति से सहमत होना एग्री विद, और किसी प्रपोजल पर सहमत होना एग्री टू, है ना, ये एग्री, एग्री के बाद क्या हो जाएगा विद, किससे, किसी व्यक्ति से सहमत होना एग्री टू, किसी प्रपोजल से सहमत होना, और एग्री ऑन किसी विषय पर सहमत होना। तो सभी राज्यों को क्या करना होगा, सहमत होना होगा ऑन द पीरियड ऑफ क्वारंटाइन, किस चीज को लेकर के, क्वारंटाइन की अवधि को लेकर के उन्हें सहमत रहना होगा, एंड और प्रोवाइड, और उन्हें प्रदान करना होगा एज अ बेसलाइन, आधार के रूप में डिसेंट एंड फ्री ऑफिशियल एक्मोडेशन, यानी उन्हें अच्छा, यानी एक तरह से सही तरीके का एंड फ्री ऑफिशियल एक्मोडेशन देना होगा, अर्थात मुफ्त में आधिकारिक एक्मोडेशन देना होगा, उन्हें रहने की सुविधा देनी होगी टू एनीवन, हर उस व्यक्ति को जो कोई भी हु वांट्स, जो इसे चाहता है, जो भी क्वारंटाइन में रहना चाहता है, उसे डिसेंट और फ्री ऑफिशियल एक्मोडेशन देना होगा, अर्थात उसे रहने वगैरह की सुविधा देनी होगी। जैसे आपने टी आई यू एन देखा तो समझ जाएंगे नाउन है ना। देयर कुड बी ऑप्शंस, यानी और भी विकल्प हो सकते थे, या अगर संभावना देखे तो हो सकते हैं, इंक्लूडिंग होटल्स एंड प्राइवेट एकोमोडेशन, यानी कौन सी संभावना हो सकती है, और भी कौन से विकल्प हो सकते हैं, क्या आप उन्हें होटल्स में रखें एंड प्राइवेट एकोमोडेशन, और जो निजी रहने वगैरह के स्थान है उन स्थानों को देखें, एट नॉन एक्सप्लॉयटेटिव टैरिफ्स, लेकिन नॉन एक्सप्लॉयटेटिव टैरिफ्स, लेकिन उनसे शोषण करने वाले टैरिफ्स न लें, अर्थात ऐसे टैरिफ्स, ऐसे शुल्क लें नॉन एक्सप्लॉयटेटिव, जो उनका शोषण न करते हैं। ये बच्चों वर्ड आप शायद बहुत ध्यान नहीं देते हैं, एक्सप्लॉयट, एक्सप्लॉयट क्या होता है, शोषण करना, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी एक्सप्लॉयट में आप एक्सप्लॉयट जो कहेंगे ना, तो एक्सप्लॉयट में इस बहादुरी पूर्ण कारनामे हो जाते, क्या हो जाते हैं, बहादुरी से भरे जो कारनामे होते हैं वो एक्सप्लॉयट होते हैं, इसे हटा देंगे तो एक्सप्लॉयट में शोषण करना, तो एक्सप्लॉयटेटिव क्या हो जाएगा, शोषण करने वाला, यही नॉन एक्सप्लॉयटेटिव, जो शोषण न करे, यानी ये लिख कहना चाह रहे हैं कि देयर कुड बी ऑप्शंस, और विकल्प हो सकते हैं क्या, इंक्लूडिंग होटल्स एंड प्राइवेट एकोमोडेशन, कि आप उन लोगों को होटल्स में रखें या प्राइवेट एकोमोडेशन में रखें, लेकिन एट नॉन एक्सप्लॉयटेटिव टैरिफ, लेकिन उनसे आप भारी भरकम शुल्क न लें, उनका शोषण न करें।
सच अ स्ट्रेटिफाइड अप्रोच इज इनएविटेबल याद हो गया, सच अ स्ट्रेटिफाइड अप्रोच अर्थात इस तरीके की व्यवस्थित सोच व्यवस्थित दृष्टिकोण इज इनएविटेबल क्या है, निश्चित है, जरूरी है, कंसीडरिंग ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए, दैट की मेनी ट्रेवलर्स के बहुत सारे यात्री फ्रॉम एरियाज उन क्षेत्रों से विद हाई ट्रांसमिशन जो बहुत अधिक संक्रमण लेकर के हैव बीन टेस्टिंग पॉजिटिव, कैसे घूम रहे हैं, टेस्टिंग पॉजिटिव यानी पॉजिटिव होकर के घूम रहे हैं, इसलिए आपको कहीं कहीं सोचना होगा, कंसिडर करना होगा कि अपने होटल्स वगैरह में या प्राइवेट एकोमोडेशन में सही सुविधाओं के साथ रखें उनको आप, कि कहीं वो ट्रांसमिशन न करें अर्थात संक्रमण न फैलाए, ठीक है। वर्ड्स देखें जल्दी से बच्चों, और वर्ड्स यहां पर आपके विड्रॉल वापसी को कहते हैं, फॉर टेकिंग समथिंग बैक, तो जैसे आपने पैसे वगैरह बैंक में जमा किया तो आप विड्रॉल फॉर्म भरते हैं पैसे लेने के लिए आप, और कोई वर्ड आपका यहां पे एब्रॉड याद हो गया, विदेश बाहर, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना देना, बेस लाइन आधार मूलभूत रूप से, डिसेंट शानदार अच्छा शालीन, एकोमोडेशन रहन सहन का स्थान, और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव जिसमें आपका शोषण न हो, टैरिफ्स शुल्क, ये वर्ड स्पेलिंग एरर में भी बहुत बार आपको दिया जाता है, ये जो टैरिफ है आपका शुल्क यानी फीस के रूप में आप कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड यहां व्यवस्थित के सेंस में है, अप्रोच दृष्टिकोण, इनएविटेबल शॉर्ट एंड निश्चित अनअवॉइडेबल, कंसीडरिंग थिंकिंग यानी सोचते हुए विचार करते हुए, ट्रांसमिशन मीन संक्रमण कंटाजियस यानी जो लोग हैं उनको लेकर के दूसरों में डालते जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अभी लास्ट पैसेज बच्चों, सॉरी देखो, फॉर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों जो वर्कर्स हैं मजदूर हैं, मूविंग इन ग्रुप्स बाई रोड यानी जो सड़कों के द्वारा क्या कर रहे हैं, मूविंग इन ग्रुप्स समूहों के रूप में आ जा रहे हैं, अक्रॉस स्टेट्स कहां, पूरे राज्य भर में, यानी चूंकि हजारों वर्कर्स राज्य भर में एक तरफ से दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो देयर इज बोथ द रिस्क ऑफ इंफेक्शन, तो इन्फेक्शन का भी खतरा है, और देखिए बोथ का कॉम्बिनेशन बच्चों यहां एंड है ना, एग्जाम में आपको ऐसे बोथ का कॉम्बिनेशन जो है वो इसके साथ दे दिया जाता है, एज वेल एज के साथ, ही गलत है, बोथ का कॉम्बिनेशन आप बनाए किसके साथ, एंड के साथ, ठीक है। देयर इज बोथ द रिस्क ऑफ इंफेक्शन, इन्फेक्शन का भी खतरा है एंड ट्रांसमिशन, और दूसरे को संक्रमित करने का भी खतरा, यानी अपने भी इंफेक्शन होने का खतरा है और दूसरों को भी ट्रांसमिट करने का खतरा है, कब, जब लोग ग्रुप्स में पूरे राज्य भर में क्या कर रहे हैं, सड़कों के द्वारा इधर उधर मूव कर रहे हैं, दिस इज अ डॉन्टिंग सिनेरियो, डॉन्टिंग मीन्स भयावह डरावना, और सिनेरियो मीन्स परिदृश्य, क्या हो जाएगा, परिदृश्य, जो सीन है आपका वही सिनेरियो है, डॉन्टिंग क्या है, फियरफुल डरावना, तो यह एक भयावह दृश्य है, परिदृश्य है, एज क्योंकि इंडिया हैज क्रॉस्ड 85,000 केसेस ऑफ COVID-19, समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान है, तो भारत 85,000 केसेस से आगे निकल चुका है, एंड स्लोइंग द स्प्रेड, और अगर हमको इस प्रसार को, इस फैलाव को स्लो करना है, धीमा करना है, तो डिपेंड्स वाइटली ऑन, तो बहुत ज्यादा निर्भर है ऑन ज्वाइंट एक्शन, किस पर, ज्वाइंट एक्शन सामूहिक कार्यों पर, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ज्वाइंट एक्शन ले, तभी स्लोइंग द स्प्रेड, तभी इस प्रचार प्रसार को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट मीन्स बताना, इशारा करना, कि निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए, दैट की द हेल्थ मिनिस्ट्री, कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इन इट्स अपडेटेड एडवाइस, इसने अभी अपडेटेड एडवाइस में इशूड ऑन May 10, जो उसने 10 मई को जारी, इसमें जारी करना, यानी 10 मई को जारी अपनी अपडेटेड एडवाइस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रूव्ड, इस बात से सहमति जताई,
होम आइसोलेशन, कि हम होम आइसोलेशन में रहें फॉर इवन पेशेंट्स, उन मरीजों के लिए भी विद द वायरस, जिनके अंदर वायरस है वो लोग भी किस में रहें, होम आइसोलेशन में रहें। इफ दे आर डीम्ड टू बी वेरी माइल्ड, यदि उनके अंदर बहुत हल्के टू प्री सिम्टोमैटिक केसेस, अर्थात शुरुआती लक्षण यानी माइल्ड से होते हुए प्री सिम्टोमैटिक लक्षण है, शुरुआती लक्षण है, तो ऐसे लोग बच्चों रह सकते हैं, कहां रह सकते हैं, होम आइसोलेशन में। और इसे किसने अप्रूव किया है, किसने अप्रूव किया है इसे, इसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है। कब अप्रूव किया है, ऑन मई 10 यानी 10 मई को अप्रूव किया है। कब, जब उसने एक अपडेटेड एडवाइस दिया था, ठीक है। दिस इंडिकेट्स और रिकॉग्निशन, यानी ये चीज इस चीज को एक मान्यता दे रही, इस चीज को स्वीकार कर रही है, उसका इशारा कर रही है ऑफ बोथ, दोनों चीजों का, कौन से दोनों चीजों का, द ग्रोइंग केस लोड, कि सरकार पर इन बढ़ते हुए केसेस का क्या बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है। द राइजिंग प्रेशर ऑन पब्लिक फैसिलिटी, जब ये ग्रोइंग केसेस का लोड बढ़ रहा है बच्चों, तो द राइजिंग प्रेशर, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है ऑन पब्लिक फैसिलिटीज, किन पर, पब्लिक फैसिलिटीज पर, समझ रहे हैं ना, हॉस्पिटल्स वगैरह पर, संस्थाओं वगैरह पर। एंड और किस चीज का इशारा कर रहा है ये कहना उनका, द लिमिटेड स्कोप फॉर पेड क्वारंटाइन, कि पेड क्वारंटाइन यानी अगर क्वारंटाइन ना कहना चाहते हो और उसके लिए पे करना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो स्कोप है, क्षेत्र है, जगह है, बहुत लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है। येट फिर भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जैसे किसी शब्द के अंत में ITY देखा तुरंत समझ जाए नाउन है, जैसे एक इंस्टीट्यूशन नाउन में आपने AL देखा तुरंत समझ जाए एडजेक्टिव है, ठीक है। येट फिर भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जो संस्थाओं की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, will have to be ramped up, इसे क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ramp up करना होगा in the coming weeks, कब, आने वाले सप्ताहों में, as a part of the cohesive policy, cohesive means क्या होता है, मेल जोड़ युक्त, यानी एक दूसरे से united हो, क्या संगत में हो, इन agreement को वो cohesive होता है, यानी इन सुविधाओं को, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को क्या करना होगा, विल हैव टू बी रैंप्ड अप, इन्हें बढ़ाना होगा, दुरुस्त करना होगा इन द कमिंग वीक्स, आने वाले सप्ताहों में, एज पार्ट ऑफ कोहेसिव पॉलिसी, कैसी नीति के रूप में, तो राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के बीच में कोहेसिव पॉलिसी देखे, अर्थात मेल जोड़ युक्त नीति दिखाई दे, ठीक है। चलिए इसे वर्ष देख लेते हैं और फिर लास्ट उस पर आते हैं, इन्फेक्शन में संक्रमण, ट्रांसमिशन, वो संक्रमण जब आप एक दूसरे को दे रहे हैं, फैला रहे हैं, डॉन्टिंग याद कर लीजिएगा, डॉन्ट से बना बच्चा, ये है डॉन्ट, डॉन्ट मीन किसी को डराना, उसे हड़काना, तो डॉन्टिंग यानी भयावह, डराने वाला। सिनेरियो क्या होता है, सीन से बना, परिदृश्य, वाइटली बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, महत्वपूर्ण रूप से, वाइटल से बना है। पॉइंट आउट, इशारा करना, संकेत करना, पता चलना, बताना। अपडेटेड एडवाइस मतलब अद्यतन एडवाइस, यानी जो उसने हाल ही में एडवाइस दिए थे। इश्यूड यहां पे जारी करना, जारी होना। अप्रूव, सहमत होना। होम आइसोलेशन, घर पे ही एकांत में रहना। डीम्ड टू बी यानी जिनमें जो प्रदर्शित हो रहे, दिख रहे हो, माइल्ड हल्का, प्री सिम्टोमैटिक शुरुआती लक्षण, रिकॉग्निशन मान्यता पहचान, रैंप अप बढ़ाना और दुरुस्त करना, कोहेसिव मेल दुरुस्त, आप कह सकते हैं एकजुट कह सकते हैं, बल्कि कोहेसिव के सूत्र में क्या लेना है आपको, बच्चों एक जगह सामूहिक। चलिए और अभी लास्ट अपना जो मेरा है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बच्चों वो देखते हैं, ये अब हमने जितने पढ़े वो सारे वर्ड्स,
क्वारंटाइन याद हो गया, अपने आप को अलग कर लेना, मूव अक्रॉस एक दूसरी एक जगह दूसरी जगह आना जाना, पेंडेमिक पेस्टिलेंस महामारी अब्रॉड इन फॉरेन कंट्रीज यानी विदेश में, कैपिटल यहां राजधानी में हो सकती है, देखे बच्चों कैपिटल कैपिटल और कैपिटल, इस कैपिटल मीन्स जानते हैं बड़ा कैपिटल लिटल्स कहते हैं ना, इस कैपिटल मीन्स राजधानी नेशनल कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी, और इस कैपिटल मीन्स शायद आप जानते हैं पूंजी होती है, ठीक है। फ्लैग फुटेगा बिना तैयारी के कठिन अवस्था में, कंसिडरेबल पर्याप्त अधिक, सर्टिट्यूड निश्चितता, सर्टेन प्लस एटीट्यूड सर्टिट्यूड, एकोमोडेशन रहन सहन की व्यवस्था आवास, इनोवेटेबल अनअवॉइडेबल इनएस्केपेबल, एक सिनेरियो परिदृश्य, माइग्रेंट याद हो गया प्रवासी, अनऑर्गेनाइज्ड अव्यवस्थित, शटडाउन बंद कर देना, सॉरी रेगुलेटर नियंत्रक चलाने वाला, अंदर इसको बल देना फोकस करना, कोहेसिव एकजुट सामूहिक यूनाइटेड कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस डिसबर्समेंट, रिफ्लेक्ट शोज प्रदर्शित करना प्रतिबिंबित करना, एक्सप्लॉयटेटिव शोषण करने वाला मीन्स आपका नुकसान करने वाला कह सकते हैं, ट्रांसमिशन एक से दूसरे में जाने की क्रिया, वाइटली महत्वपूर्ण रूप से अधिक रूप से, यूनिफॉर्म एक समान, फ्रंटल मोर्चा, ऑप्शनल वैकल्पिक, कंसेंसस याद हो गया आम सहमति, मैं बोलता जाऊं उससे पहले आप सोचे रहा करी खा इसका ये हो सकता है, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत, कंपल्सरी मीन्स नेसेसरली बट आंशिक रूप से, विदड्रॉन वापसी रिटर्न, टैरिफ्स शुल्क फीस, इंफेक्शन संक्रमण, पॉइंट आउट इशारा करना बताना, रिक्वायरमेंट्स जरूरतें आवश्यकताएं व्यवस्थाएं, कैंपेन अभियान, लेकिन मेरा शैंपेन वाला वर्ड भी जरूर याद रखेगा, स्टैंडर्ड याद हो गए फंसे हुए असहाय हेल्पलेस, मॉडलिटीज मीन्स तौर तरीके साधन, रैंप बढ़ाना, इनकम अपने ऊपर लेना खुद बियर करना खुद टॉलरेट करना, इंसिस्ट प्रेशर देना जोर देना, बेसलाइन आधार, स्ट्रेटिफाइड किसी चीज को व्यवस्थित करना, यहां एडजेक्टिव रूप में है, डांटिंग भयावह डरावना, और आइसोलेशन एकांत, ठीक है। और ये जो मैं बनाता हूं आज भी मैंने बनाया है सिर्फ आपके लिए कि वर्ड्स मैंने हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके दिए, स्क्रीनशॉट्स लेकर के जरूर तैयार करें वो बच्चे जो मॉडरेट लेवल पे, ठीक है। तो बच्चों इस सेशन में बस इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं जो बच्चे नए हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरे बच्चे भी क्या होते जाए जुड़ते जाए, ठीक है। तो अलविदा आपसे, हैव अ नाइस डे, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, ठीक है, थैंक यू।